मेहनत से। और मैं नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद आती है, मैं खाली जा हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने नाश्ते में बनाया है उपमा, मटर गाजर सब डाल के। अच्छा लगता है खाने को, मुझे उपमा पसंद है। और चाय बना ली है, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, चाय बना ली है। और ये और जी आप लक्ष्मी सोए हैं, अभी उठेंगे। और आज है गुरुवार, अभी खा लेंगे। और चाय बना दिए, मुझे तो भूख लगी है बाबा। मैं तो सोई है, इडली वाला आया है, बाहर बज रहा है। पत्ते वगैरह तोड़ देते हैं। सामने मंदिर है, इसके तो उठते ही सुबह अच्छे से दर्शन कर लेते हैं। जाले लगा लेते हैं क्योंकि मच्छर आते हैं। पेपर है, पढ़ूंगी चाय पीते पीते। क्या क्या होता है, ये आदत है पेपर पढ़ने की। हाँ, आज हम बना रहे हैं बिरयानी वाली। इसका मैं थोड़ा दम बिरयानी बोलूंगी। दम बिरयानी है कि बिना दम बिरयानी पता नहीं। तो उसका प्रिपरेशन करके रखती हूँ, मतलब मैरिनेट करके रखती हूँ, आधे घंटे बाद बनाऊंगी। चावल, इसमें हमारे घर के मसाले डालेंगे हम। हल्दी, तीखा कितना चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। हमें अभी इसका मुझे 2 चम्मच डालना है। अगर मुझे लगेगा कि और डालना है तो नमक एक बार इसमें थोड़ी है। गाजर है, फ्रेंच बीन्स है, आलू है और मटर है। पनीर भी इसमें डाल सकते हैं। देखूंगी अगर मैं, बच्चे ना पनीर नहीं खाते पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बिरयानी में पनीर बहुत पसंद है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें, बना के रखिए। थोड़े से डालूंगी मैं खाली खाली दे। 20 मिनट रखना है, 15-20 मिनट नहीं। हाँ हाँ, 10 मिनट तो कम से कम रखो, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट आएगा अच्छा। और ये चावल भिगो दिए, अभी चावल में यो के कढ़ाई भी बता। और ये मैंने केसर वाला दूध करके रखा है, बाद में डालने के लिए थोड़ा कलर आ जाएगा इसका, बाद में डालूंगी तभी आपको बता। एक मिनट, नहीं खाते हैं इसके लिए, उनके लिए बनाऊंगी पत्ता गोभी, मटर की सब्जी और रोटी। और छाछ तो है ही, और देखते हैं और क्या बना सकती है। बिरयानी की हमारी तैयारी हो गई है, अभी 15-20 मिनट रेस्ट करने को देती हूँ, तब तक मैं पत्ता गोभी काट लेती हूँ। चलो जिया, अभी हम काम करेंगे। और ये जिया देखिए, अभी मेरी जिया बहुत कला कर रही है, कभी फुटबॉल खेल रही है, कभी क्या कर रही है ना जिया। ये मैंने पानी, चावल के लिए पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। इसमें जीरा, 2-4 लौंग, नींबू से क्या होता है चावल खिले खिले बनते हैं बस। हेलो, दोपहर की राम राम। अभी मैं दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ। पता लक्ष्मी गई है कोथमीर लाने, उसका वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोथमीर लगेगा थोड़ा सा तड़के में भी डालने के लिए, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा आता है। पुदीना है मेरे पास, कोथमीर लाने को भेजा है उसको। पानी उबल गया है,
मैं चावल सब डाल देती हूँ आराम से। चावल हमारे पक चुके हैं, मतलब मैंने 80% पकाया, इनको पूरा नहीं पकाया। और ये पत्ते सब निकाल देती हूँ, बाकी सब रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, इलायची वगैरह उसका तो फ्लेवर ही आ जाएगा, निकाल देंगे खाते टाइम। और भाजी बन गई है, बस बंद कर दूँगी। अभी मैं सब्जी इसका क्या बोलते हैं सब्जी का बनाऊँगी, मैरिनेट का सब्जी बनाना चालू करूँगी। बस अभी लक्ष्मी आने वाली है, तब तक मैं तेल वगैरह गर्म कर लेती हूँ। एक बार ये ढक्कन देती हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी तो ले लूँगी। अभी मैं इसमें प्याज डालूँगी, कोई डालता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तड़के में प्याज अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए, थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तब मैं पानी थोड़ा और डालती हूँ। हाँ ट्रांसफर करूंगी, क्योंकि इसमें मुझे वापस लहर लगानी है बिरयानी की। पहला चावल है ना, आना दिखा। पर गार्निश के लिए ये पुदीना, अब मैं बना ला लगाने के लिए मैंने रख दी है, आँच एकदम स्लो की है, अभी 10-15 मिनट में हो जाएगी। और आप सोच रहे होंगे कि बिरयानी बना रही है इतनी मेहनत से, और मैं नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद आती है, मैं खाली जरा सी टेस्ट करती हूँ। मुझे खाली मेरी माँ बनाती है ना आलू मटर के सिंपल वाला पुलाव, वो अच्छा लगता है, वैसा कभी लक्ष्मी बनाती है तो वो अच्छा लगता है। ये मसाले वाली ये सब मुझे नहीं पसंद आती है, ये ज़्यादा तामझाम वाली, बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं, उनके लिए बनाई है मैंने। और पहली बार बनाई है, फर्स्ट टाइम बनाई है, हमेशा भरत बनाता है। और 100% एकदम अच्छी बने, बिकॉज खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखते हैं कैसी बनेगी, रिव्यू देंगे बच्चे खाके। मैंने तो अपना रिव्यू दे दिया। अभी रायता बनाना है और पापड़ फ्राई कर फ्राई करना, वो मैं कर लूंगी, कर लेगी। बस हो गया मेरा, अभी मैं आटा लगाती हूँ रोटी के लिए, और इसके अंदर काजू डालने हैं तो मैं थोड़े से फ्राई करके डाल देती हूँ, ऊपर से अच्छे लगेंगे, थोड़ा क्रंची के डब्बा में डालेंगे ना अच्छे लगेंगे, तो कोई बात नहीं। थोड़े से बिरयानी, मम्मी स्पेशल बिरयानी, रायता, पापड़ और
भरत को तो पसंद आई है, लेकिन बोलते हैं तीखी ज़्यादा हो गई। वो पता नहीं, मैंने तो नहीं खाई है क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। मस्त यम्मी वाली थाली। किसी का? आजा अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ जा। कैसे चिल्ला रही है? और जिया बाहर चिल्ला रही है, पता नहीं किसको आवाजें दे रही है। मैं नहीं सोएगी इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। मैं सो, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, कल फिर मिलेंगे प्यारी सी स्माइल के साथ। ये मेरी ये ऐसे चिल्ला